नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, मैं अभिसार शर्मा। क्या भारत के अंदर आप ये कल्पना कर सकते हैं कि हमारा कोई पुलिस चीफ देश के गृह मंत्री को या देश के किसी सांसद को यह नसीहत दे कि अगर आपके पास कोई कंस्ट्रक्टिव सुझाव नहीं है तो अपना मुंह बंद रखिए। क्या आप जानते हैं घटना कहां हुई है? अमरीका में। जी हां, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र। और वहां पर आपके स्क्रीन पर यह शख्स है, ह्यूस्टन पुलिस चीफ आर्ट एक्विडो। इन्होंने CNN को दिए गए इंटरव्यू में कहा है, और यह नसीहत उन्होंने किसी और को नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दी है, जिनके हाथ से सब कुछ निकल गया है। वहां हालात बहुत तनाव हैं, तनावग्रस्त हैं, और मैं आपको बताने वाला हूं क्यों। मगर सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वहां के ह्यूस्टन पुलिस चीफ ने कहा क्या है आपके स्क्रीन पर। लेट मी जस्ट से दिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल पुलिस चीफ्स ऑफ दिस कंट्री, प्लीज इफ यू डोंट हैव समथिंग कंस्ट्रक्टिव टू से, कीप योर माउथ शट। मैं सभी पुलिस चीफ्स के तरफ से डोनाल्ड ट्रंप से कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं है तो कृपया अपना मुंह बंद रखिए। जी हां, जैसे कि आप जानते हैं कि वहां पर हालात बेकाबू हो गए हैं। वो हालात क्यों बेकाबू हो गए हैं, बस कुछ ही लम्हों में आपको बताने वाला हूं। मगर क्या आप यह सोच सकते हैं कि चलिए प्रधानमंत्री को भूल जाइए, गृह मंत्री को भी भूल जाइए, क्या हमारा कोई पुलिस चीफ कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश साहिब सिंह को उनके निहायत ही भड़काऊ बयानों के लिए उन पर अंकुश लगाए, उन्हें नसीहत दे? क्या ऐसी एक भी मिसाल हमारे सामने उभर कर आती है? बताइए, एक भी मिसाल नहीं। उल्टा हमारे सामने ढेरों ऐसी मिसाल है जहां पुलिस ने दंगाइयों का साथ देकर अक्सर जो लोगों को टारगेट किया है। JNU में आपको याद है, गुंडे अंदर घुस गए थे और पुलिस बाहर खड़ी रही। जामिया मिलिया इस्लामिया में आपको याद है किस तरह से पुलिस जो है वो CCTV के कैमरास तोड़ रही थी। जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे, कई ढेरों मिसालें सामने उभर कर आई थी जहां पुलिस ही आतताई बनने पर एक तरह से शुरू हो गई थी। और फिर आपको याद होगा जब जामिया के विद्यार्थियों पर इस शख्स ने, इस तथाकथित नाबालिग ने गोली चलाई थी तो पुलिस आसानी से और बहुत ही आराम से पीछे खड़ी हुई थी। देखिए, लोकतंत्र और छद्म लोकतंत्र, लोकतंत्र और नकली लोकतंत्र के बीच का फर्क यह है। अमेरिका हमें यह बता रहा है, और ये जो ह्यूस्टन के पुलिस चीफ है ना, यहां पर नहीं रुक रहे हैं, वो एक बहुत ही सकारात्मक संदेश दे रहे हैं देश की जनता को। वो ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे अंदर नफरत है तो उस नफरत की कोई जगह नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे हैं ह्यूस्टन पुलिस चीफ, आप खुद सुनिए। Is that they want people of color to be talked about as being thugs and we're bums and my people for, as an immigrant, we're rapists. We know what? We built this country. We got news for them. We ain't going nowhere. The ship has sailed. Yes. So if you've got hate in your heart for people of color, get over it. Okay? Because this city is a minority majority city. Yes. And this city is a city where blacks and whites and browns and legal and illegal all get together because we judge each other by the content of our hearts. मगर ऐसा क्यों हो रहा है आप जानना चाहेंगे। उसके लिए आपको ये तस्वीर देखनी पड़ेगी। यहां पर आप देख सकते हैं मिनियापोलिस में एक पुलिस ऑफिसर जिसने इस शख्स के ऊपर, इस अश्वेत शख्स की गर्दन पर जो है अपना घुटना टेक दिया है। 8 मिनट 36 सेकंड तक ये चलता रहा और उसके बाद जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हो जाती है। आसपास खड़े लोग लगातार उस पुलिस ऑफिसर से मिन्नतें कर रहे थे, उसे छोड़ दो। यही नहीं, जॉर्ज फ्लॉयड भी लगातार कह रहा था कि मेरी सांस रुक रही है, मगर वो नहीं माना। नतीजा यह होता है दोस्तों कि पूरा अमेरिका आग की लपेट में आ जाता है, हिंसा की लपेट में आ जाता है, और मिनियापोलिस से लेकर वॉशिंगटन DC हर जगह पर यह प्रदर्शन की तस्वीरें सामने उभर कर आती हैं। मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं। आपको यह तस्वीर याद है, सड़क पर कुछ मुस्लिम युवा पड़े हुए, इसमें एक फैजान भी था। इनसे पुलिस ने कहा था कि जनगण मन गाओ, अगर इन्होंने कोई गलती की होती तो आप उन्हें थाने भेज देते, मगर इनको यातना दी जा रही थी।
क्या पुलिस ने अब तक इस घटना के लिए माफी मांगी? फैजान की मौत हो गई। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि इनमें से कुछ लोग आपराधिक रहे होंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जॉर्ज फ्लॉयड वो एक नकली $20 का नोट एक मार्केट में सर्कुलेट कर रहा था, उसका यह गुनाह था, मगर उसकी सजा यह नहीं मिलनी चाहिए कि आप उसकी जान ले लें। इस देश में यहां की व्यवस्था कानून के हिसाब से चलती है और उसी हिसाब से चलनी चाहिए। क्या आप जानते हैं इस घटनाक्रम के चलते कई ब्लैक्स, कई अश्वेत जो लोग हैं वो सड़कों पर आ गए थे और प्रदर्शन शुरू हो गए थे, और उसके बाद जैसा कि अक्सर होता है ढेरों मिसालें सामने उभर कर आई जहां पुलिस ने ज्यादती की प्रदर्शनकारियों पर, न सिर्फ ब्लैक्स पर बल्कि कई वाइट्स भी जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। मगर हमारे यहां क्या होता है, शाहीन बाग में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा होता है तो मीडिया सुपारी लेकर वहां पहुंच जाता है और सुपारी लेकर उसे बदनाम करने की कोशिश करता है। सरकार के जो स्पॉन्सर्ड लोग हैं वहां बुर्का पहन के पहुंच जाते हैं उस आंदोलन को बदनाम करने के लिए। शाहीन बाग के खिलाफ बाकायदा एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि वहां की औरतें जो हैं 500-500 रुपए में बैठी हुई हैं, बिरयानी के लिए बैठी हुई हैं, और वो तमाम चीजें, वो प्रोपेगेंडा कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का जो हेड है अमित मालवी और बीजेपी के कई नेता ये प्रोपेगेंडा चला रहे होते हैं, और सब झूठ साबित हुआ था। मैं जो आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूं क्या कि अगर कोई अपराधी भी है तो उसे सजा कानून के हिसाब से मिलेगी। इसका मतलब यह नहीं कि आप उसे बदनाम करें, इसका मतलब यह नहीं कि आप उसके बारे में झूठा प्रोपेगेंडा चलाएं। और यहां तो शाहीन बाग की वो औरतें एक अहिंसात्मक आंदोलन में बैठी थी, मैंने उस आंदोलन का काफी हद तक समर्थन किया था, मगर जब वो बाद में खींचने लगा था तो मैंने भी अपने कार्यक्रमों में कहा था कि अब इसे खींचने का कोई औचित्य नहीं है। मगर जैसा कि अक्सर होता है ऐसी जगहों पर कई लोग अपनी सियासत चमकाने के लिए आ जाते हैं, और आप जानते हैं वो कौन थे। अमेरिका में बाद में एक और बहुत दिलचस्प बात हुई, ये तस्वीरें देखिए। यहां पर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस प्रदर्शनकारियों से माफी मांग रही है। आप देख सकते हैं यहां पहली तस्वीर में पुलिस एक अश्वेत युवक के साथ, एक ब्लैक के साथ हाथ मिला रही है। फिर इस दूसरी तस्वीर में देखिए वो एक ब्लैक को गले लगा रही है, और फिर इस तस्वीर में देखिए वो एक घुटने पर जमीन पर बैठ गए हैं। वो माफी मांग रहे हैं प्रदर्शनकारियों से कि हमने आपके साथ ज्यादती की। क्या आप इस चीज की कल्पना भारत में कर सकते हैं? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि पुलिस अपनी ज्यादतियों के लिए माफी मांगे मुसलमानों से, या जेएनयू के छात्रों से, या फिर उन प्रवासी मजदूरों के साथ जिनके साथ कई पुलिस वालों ने अत्याचार किया, ज्यादती की? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि पुलिस अपनी भूल के लिए इस तरह से माफी मांगे जिस तरह से अमरीकी पुलिस मांग रही है? और यही तो मैंने आपसे कहा ना, असली लोकतंत्र और नकली लोकतंत्र के बीच का फर्क यहां पे साफ तौर पर दिखाई देता है। सच तो यह है दोस्तों, एक अरसे से, मैं 2014 से नहीं कह रहा हूं, उससे बहुत पहले से हमारा लोकतंत्र जो है ना वो एक सामंती व्यवस्था है, जहां पर कुछ रसूख वाले लोग कहने को तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आए होते हैं, मगर एक सामंती व्यवस्था की तरह, अपनी निजी जायदाद की तरह इस देश को चलाते हैं, और उसकी ढेरों मिसालें हैं। अमेरिका में यह जो आंदोलन हुआ इसमें हिंसा भी हुई, उसकी भी मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, मगर उससे पहले यह और तस्वीर देखिए। यहां पर आप देखिए किस तरह के वहां के जो व्हाइट्स हैं, श्वेत हैं, वो लोग ब्लैक से माफी मांग रहे हैं। वीडियो देखिए, हृदय विदारक वीडियो है, और इसमें उन ब्लैक्स की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। आप ये देखिए, Father, in Jesus' name, you get the victory. Father, we ask for forgiveness from our black brothers and sisters for years and years of racism, of systematic racism. तो देखा आपने, ये छोटी छोटी चीजें हैं मगर ये बताते हैं कि एक लोकतंत्र अपने आप में बड़ा अपनी व्यवस्था अपने संवैधानिक पन्नों से नहीं बनता, अपने लोगों से बनता है। अगर लोग पूरी तरह से ब्रेन वॉश होते हैं ना, लोकतंत्र कमजोर पड़ जाता है, और पिछले 5 सालों में वही साबित होता आया है।
क्या आप जानते हैं जॉर्ज फ्लॉयड का एक आपराधिक इतिहास था, मगर इसका मतलब यह नहीं कि आप उसके मानवाधिकारों को कुचल दें। वो जॉर्ज फ्लॉयड जिसे ये पुलिस वाला इस तरह से कुचल रहा था वो अपराधी रहा होगा, उसका आपराधिक इतिहास रहा होगा, मगर कानून के तहत ही आप उस पर कार्रवाई करें, आप उसकी जान नहीं ले सकते। यह अधिकार आपको किसने नहीं दिया? और यह बात कहीं ना कहीं हमारी पुलिस, हमारे प्रशासन को समझना पड़ेगा। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं दोस्तों। इस बीच अमेरिका में जो हालात हैं पूरी तरह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाहर हो गए, उनके काबू के। क्या आप जानते हैं व्हाइट हाउस के बाहर जब प्रदर्शनकारी पहुंचे और प्रदर्शन करने लगे तब अमेरिकी राष्ट्रपति को उनके मिलिट्री चीफ बंकर मिले गए। और उसके बाद जब यह खबर जगजाहिर हुई, जब यह सार्वजनिक हुई, तब वो इतना ज्यादा तिलमिला गए कि व्हाइट हाउस के सामने खड़े जो प्रदर्शनकारी थे उन पर उन्होंने बेटन चार्ज यानी कि लाठी चार्ज करवा दिया। आपके सामने सीएनएन की खबर जो आप देख रहे हैं और यह बता रहा है कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में बिल्कुल भी चीज नहीं है, उनके हाथ के बाहर से निकल गई है। मगर अगर देश का मुखिया इस तरह से चीजों को कंट्रोल ना भी कर पा रहा हो, वहां की पुलिस, वहां की जनता प्रजातंत्र को राह दिखा सकती है जैसा कि अमरीकी जनता ने किया। अगर हम क्या कर रहे थे वो आप सब जानते हैं। जब गरीब मजदूर सड़क पर होता है और उसके हक के लिए मेरे जैसे पत्रकार या सोशल मीडिया में कुछ और लोग कहते हैं तो जो सोलिसिटर जनरल हैं वो ऐसे लोगों के लिए वल्चर्स शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कयामत के पैगंबर, प्रॉफिट्स ऑफ डूम। बाद में कहते हैं कि साहब मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। यह है इस देश की संवेदनहीनता। जब सरकार के नुमाइंदे गरीबों के हक में बात करने वाले को वल्चर्स कहते हैं, यह कहते हैं कि तुमने क्या किया उन गरीबों के लिए। अगर कोई अपने घर से ना भी निकला हो, अगर वो अपने घर में बैठकर लोगों के हक की बात कर रहा ना तो वो अपना कर्तव्य निभा रहा है। मगर कम से कम आपकी तरह तुषार जी झूठ नहीं बोल रहा है वो। आपने, आपकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर गरीब मजदूरों के बारे में एक झूठ कहा था, वो झूठ याद है ना आपको कि इस वक्त एक भी गरीब मजदूर सड़क पर नहीं है और हमने 23 लाख गरीब मजदूरों को सहायता दी है। सब कुछ कोरा झूठ। यही तो मैंने पूछा ना, अमरीका में तो आंदोलन चल रहा है, न्यूजीलैंड में भी आंदोलन चला, ब्लैक लाइव्स मैटर, मत क्या भारत के अंदर टू माइग्रेंट लेबर्स लाइव्स मैटर? क्या प्रवासी मजदूरों की जिंदगियों के कोई मायने हैं? बताइए। आप जानते हैं दोस्तों, सबसे हास्यास्पद बात है ये ट्वीट जो किया गया है आपके स्क्रीन पर। यह है कपिल मिश्रा। कौन कपिल मिश्रा, मैं आपको बताऊंगा। इसने क्या कहा है आपकी स्क्रीन पर। डियर US citizens, when wrong people hijack your roads, burn your city and attack the cops, right people should not remain mute. Come out on the roads, look direct in their eyes and tell them firmly, we will not let you burn our city. Non-violent but very assertive, it surely works. यानी कि जब गलत लोग सड़कों को हाईजैक कर लेते हैं तो सही लोगों को खामोश नहीं रहना चाहिए, उन्हें सड़कों पर उतरना चाहिए, उनकी आंखों में आंखें डालना चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए अहिंसात्मक रूप से। जी हां, मैं नहीं भूला हूं, यह वही कपिल मिश्रा है जिसने जाफराबाद मेट्रो स्टेशन में पुलिस की मौजूदगी में धमकी दी थी कि इस वक्त तो ट्रंप देश में है, हम खामोश हैं, मगर उसके बाद अगर जाफराबाद मेट्रो स्टेशन खाली नहीं हुआ तो हम पुलिस की भी नहीं सुनेंगे। पुलिस वहां पर बेबस खड़ी हुई। और उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट के मुताबिक तुरंत ढेरों व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए जाते हैं, उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में नकली वीडियोस का प्रचार प्रसार होता है और फिर दिल्ली में दंगे शुरू हो जाते हैं। आज तक क्या इस शख्स से पूछताछ हुई है? यह देश के वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, देश के गद्दारों को का नारा लगवाया था और उसी के बाद ये दो चेहरे पहुंचे थे जामिया और शाहीन बाग गोली चलाने के लिए। जी हां, ये दो चेहरे जिस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। क्या पुलिस ने आज तक इनसे पूछताछ की? प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा था कि अगर दिल्ली चुनावों में भारतीय जनता पार्टी हार गई तो ये शाहीन बाग के लोग जो हैं वो आपके घरों में घुस के आपकी बेटियों और माओं का बलात्कार करेंगे।
ये लोग लगातार इस तरह की भड़काऊ बातें करते रहे मगर इनसे पूछताछ तक नहीं हुई। अलबत्ता जेएनयू की इन दो छात्रों को अभी भी हिरासत में रखा गया है। कई लोग इस वक्त जेल के अंदर हैं, गौतम नलखा, सुधा भारद्वाज, इनके अगर बॉडी ऑफ वर्क पर आप निगाह डालें तो इन्होंने इस देश के गरीब की आवाज उठाई है मगर पुलिस इनसे पूछताछ नहीं करेगी। क्या हमारी पुलिस अमरीकी पुलिस से सबक लेगी? नहीं ले सकती। दो कारण है, एक तो जैसे मैंने बताया कि हमारा लोकतंत्र एक अरसे से एक सामंती व्यवस्था रहा है, हमारे हुक्मरानों ने इसे अपने निजी जायदाद के तौर पर चलाया है, इसलिए हमारी पुलिस भी इनकी पिछलग्गू रही है, लिहाजा ये लोग इनसे पूछताछ भी नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है। मुझे उम्मीद है कि कम से कम ये जो तमाम मिसाल सामने उभर कर आ रही हैं, इससे कुछ सीखने का प्रयास करेगी हमारी पुलिस और हमारे हुक्मरान, क्योंकि अगर लोकतंत्र को बचाए रखना है तो उसके मूल्यों के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, उसके मूल्यों का अनुसरण हमें करना पड़ेगा। न्यूज चक्र में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को न सिर्फ लाइक और शेयर करें बल्कि हमारे जो चैनल है न्यूज क्लिक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।